क्या आपको ये मालूम है कि सेलिब्रिटीज आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम है शिवम और आज हम बात करेंगे कि हमें सेलिब्रिटीज को क्यों फॉलो नहीं करना चाहिए। आज के समय में हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय सोशल मीडिया पर बिता रहे हैं। ऑन एन एवरेज एक एडल्ट लगभग 3 से 6 घंटा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर बिताता है, यानी कि हम स्मार्टफोन में भी सबसे ज़्यादा समय सोशल मीडिया को दे रहे हैं। और हमारा सोशल मीडिया कॉमेडी वीडियोस, मीम्स, न्यूज़ और सेलिब्रिटीज़ के लाइफस्टाइल से भरा हुआ होता है। जब हम किसी सेलिब्रिटी को फॉलो करते हैं, तब वह सेलिब्रिटी हमारी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करता। सेलिब्रिटीज अपने सोशल मीडिया पर सिर्फ फैशन, लाइफस्टाइल और मार्केटिंग करते रहते हैं, जिससे हमारी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आता, बल्कि इससे तो हमारा समय बर्बाद होता है। सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल को देख के हमें कॉम्प्लेक्स फील होने लगता है, जैसे कि सेलिब्रिटीज महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, वह फैशनेबल कपड़े पहनते हैं और विदेशों में वैकेशन के लिए जाते हैं। उन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी लाइफ में मज़ा क्यों नहीं आ रहा। हम अपनी लाइफ से रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं और यही समस्या का एक बड़ा कारण है, क्योंकि जब हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं, तब हम उन्हें अनकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उसमें हम बुरी तरह से फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस होता है। हमें यह समझना होगा कि सेलिब्रिटीज शो बिजनेस में हैं, यानी कि जब तक वह दिखेंगे नहीं, वो खुद को बेचेंगे नहीं, तब तक उनके घर का किचन नहीं चलेगा और उनका सिर्फ एक मकसद होता है, आप तक बार बार पहुंचना, और इसके लिए वे कई सारे तरीके अपनाते हैं और इसलिए कई सारे सेलिब्रिटीज पीआर टीम हायर करते हैं। पीआर का मतलब होता है पब्लिक रिलेशन एजेंसी, जिनका काम ही होता है कि सेलिब्रिटीज को बिजनेस ला कर दिया जाए और इन बिजनेसेस में उनका अच्छा खासा मार्जिन होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी एक्टर का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं आने वाला होता है, लेकिन फिर भी उन्हें न्यूज़ में बनाए रखा जाता है और इसके लिए वो एजेंसीज को भर भर के पैसा देते हैं, और इन एजेंसीज का काम ही यही होता है कि एक्टर को किसी भी तरीके से न्यूज़ में बनाकर रखा जाए। उनका एयरपोर्ट लुक, उनका जिम से अंदर जाना और बाहर आना, सब कुछ कवर किया जाता है और उन्हें किसी भी तरह से न्यूज़ में बनाए रखा जाता है। आज की तारीख में लगभग सभी एक्टर्स ब्रांड एंडोर्समेंट करते हैं, जैसे कि पान मसाले का ऐड, शुगरी ड्रिंक्स का ऐड और कॉस्मेटिक्स का ऐड और न जाने क्या क्या। लेकिन दिक्कत यह है कि ये सभी एक्टर सिर्फ ऐड करते हैं और वह खुद भी उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम नहीं करते, लेकिन उनके नाम पर हजारों करोड़ों लोगों को वह चीज़ें बेची जाती है जो कि वाकई जहर है। पीआर टीम सेलिब्रिटीज की सोशल मीडिया को भी कंट्रोल कर रही है, जिससे हमें यह भी पता नहीं लग पाता कि एक सेलिब्रिटीज की रियल पर्सनैलिटी क्या है, और हम उनकी फेक पर्सनैलिटी को ही फॉलो करते रहते हैं, यानी कि हम ऐसे सेलिब्रिटीज को फॉलो कर रहे हैं जिनके खुद के रियल ओपिनियंस तक नहीं हैं। हम सभी ये तो जानते ही हैं कि जैसा सोशल मीडिया पर दिखाई देता है, वैसा असल में नहीं होता। जैसे कि सेलिब्रिटीज की पॉजिटिव इमेज को भी क्रिएट किया जाता है, सेलिब्रिटीज से सोशल वर्क करवाए जाते हैं और उनसे डोनेशन भी करवाया जाता है, जिससे कि ऐसा लगे कि वह सोसाइटी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी यह इमेज भी क्रिएट की जाती है, जिससे ऐसा लगता है कि वह रियल लाइफ में भी हीरोज हैं। सेलिब्रिटीज की हर एक चीज को बिजनेस बनाया जा रहा है, उनके कपड़े, उनका खाना पीना और यहाँ तक कि उनके विचारों को भी। बातें तो अब और कई सारी हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि हमें क्या करना चाहिए। एक बात तो हम सभी को ये माननी होगी कि हम सोशल मीडिया को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि आज की तारीख में बहुत सा ज़रूरी काम सिर्फ सोशल मीडिया के द्वारा ही किया जा रहा है। तो इसका आसान सा सॉल्यूशन तो यह है कि हमें ऐसे सेलिब्रिटीज को अनफॉलो कर देना चाहिए जो कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करते
और उनके जगह हमें ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो कि हमारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड करें। जैसे कि अगर आप एक अच्छे फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको दुनिया भर के अच्छे फोटोग्राफर्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो आपको दुनिया भर के बिजनेसमैन को फॉलो करना चाहिए जो कि असल ज़िंदगी में अच्छा काम कर रहे हैं। इसी तरह आपको ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो आपको आपकी लाइफ में मदद करें, आपको आपकी फील्ड में मदद करें, और इन लोगों से आपको हर दिन कोई ना कोई इंस्पिरेशन मिलती रहेगी। आज दुनिया भर में अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है और कायदे से तो हमें सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए, लेकिन जितना भी समय अगर हम सोशल मीडिया पर बिताते ही हैं तो हमें ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए जो हमें एक बेहतर इंसान बनाए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से ज़रूर मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।